केरल राज्य के वायनाड में बाढ़ पीड़ितों के लिए यूथ कांग्रेस घर बनवाएगी। यूथ कांग्रेस ने मदद का हाथ बढ़ाकर पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में दिया गया क्यूआर कोड के जरिए कार्यकर्ता दान भी कर सकते हैं। देश में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए यूथ कांग्रेस ने मदद का हाथ बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए यूथ कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने बताया कि वायनाड में हुई प्राकृतिक घटना पर यूथ कांग्रेस प्रभावितों के साथ है और पूरे देश में यूथ कांग्रेस अभियान चलाएगी। वायनाड में प्रभावितों के 30 घर यूथ कांग्रेस बनवाएगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर एमपी कांग्रेस भी सहयोग करेगी। वायनाड के अलावा प्रदेश में भी कहीं बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर यूथ कांग्रेस मदद करेगी। जो वायनाड में बाढ़ ने जो तबाही मचाई और जो वहाँ पर नुकसान हुआ है, हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस ने, आदरणीय श्रीनिवास जी कृष्णा जी ने एक पहल पूरे प्रदेश के अंदर शुरुआत की है आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, कि 30 घर वायनाड के अंदर यूथ कांग्रेस बनाएगी। तो वो 30 घर जो यूथ कांग्रेस ने 30 से 50 घरों का जिम्मा लिया है वायनाड में बनाने का, तो उसमें हर एक प्रदेश का अपना अपना योगदान है। और प्रयास ये है कि जो जो प्रदेश वहाँ डोनेट कर रहा है, उन घरों के बाहर उन प्रदेश का एक मोमेंटो भी लगाया जाएगा कि इस प्रदेश द्वारा सहायता की गई इस निर्माण के लिए। तो एक अच्छी पहल इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा, आदरणीय श्रीनिवास जी द्वारा ये शुरुआत की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।